कुछ लोगों को लगता है कुरकुरे बनाने में बहुत सारे केमिकल और प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं कुछ लोगों का मानना है इसको मेगा फैक्ट्री में बहुत गंदे तरीके से बनाया जाता है। इसलिए आज मैं आपको मेगा फैक्ट्री के अंदर कुरकुरे बनाने का पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं और सच्चाई जानने वाले क्या सच में इसको बनाने में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। तो पूरी वीडियो देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, आप सभी को बहुत मजा आएगा। आपके और हमारे फेवरेट कुरकुरे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आटा लाया जा रहा है और आटा भी दो प्रकार का लाया जाता है, एक में होता है राइस ग्रिट्स और दूसरे में होता है कॉर्न ग्रिट्स। इन्हीं दोनों आटे को मिलाकर बनाया जाता है कुरकुरे। और अगर आज से पहले आपको लगता था कि कुरकुरे बनाने में किसी भी प्रकार की प्लास्टिक को मिक्स किया जाता है, तो यहाँ पर आज आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी प्रकार की प्लास्टिक को यूज नहीं किया जाता। इसके बाद ये दोनों आटे इस मशीन के अंदर डाले जाएंगे और मशीन में ऊपर की साइड ये जो जाली आप देख रहे हैं एक प्रकार का मैग्नेट होता है ताकि मशीन के अंदर किसी भी प्रकार की मेटल की वस्तु ना जा सके। आटे डालने के बाद ऊपर से पानी डाला जा रहा है ताकि इसके अंदर मॉइस्चर मेंटेन रह सके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों प्रकार के आटे इस मशीन के अंदर ऊपर से नीचे लगातार घूमते रहते हैं ताकि इन दोनों आटे का एक मिक्सचर तैयार हो सके। अब ये मिक्सचर इस वाली मशीन के अंदर आता है, ये एक अमेरिकन मशीन होती है और इस मशीन का काम होता है आटे से स्टिक बनाना। जब आप कुरकुरे के पैकेट में हाथ डाल के उसका स्टिक निकालते हैं तो इसी मशीन की मदद से वो स्टिक तैयार होता है। अब ये सारे स्टिक इस कन्वेयर से गिर के इस वाले एलिवेटर से होकर इस वाले मशीन के अंदर जाएगा। इस मशीन को रोटरी फिल्टर कहते हैं और इस मशीन का काम होता है कुरकुरे के अंदर जितने भी छोटे या फिर टूटे स्टिक होते हैं या फिर कुरकुरे के ऊपर जितने भी आटे का धूल लगा हुआ होता है उसको फिल्टर करना। अच्छी तरीके से सारे कुरकुरे के स्टिक फिल्टर होने के बाद जितने भी बढ़िया कुरकुरे के स्टिक होते हैं वो इस एलिवेटर के थ्रू इस वाली बड़ी सी मशीन के अंदर जाते रहते हैं और इस मशीन को कहते हैं रोस्टिंग मशीन। इसी मशीन के अंदर हमारे सारे कुरकुरे के स्टिक नमक के साथ रोस्ट होते रहते हैं। अभी तक मुझे लगता था कि कुरकुरे के स्टिक को फ्राई किया जाता है, लेकिन यहाँ पर फ्राई नहीं किया जाता, इनको रोस्ट किया जाता है। और सारे कुरकुरे के स्टिक यहाँ पर रोस्ट होने के बाद इस वाली एलिवेटर मशीन से जाकर इस वाली मशीन के ऊपर गिरते रहते हैं और इस मशीन का काम होता है जितने भी हमारे कुरकुरे के स्टिक के ऊपर एक्स्ट्रा नमक लग जाता है उस नमक को यहाँ पर छाटना। अब ये सारे कुरकुरे के स्टिक वापस से इस एलिवेटर के थ्रू इस बड़ी सी मशीन के अंदर जाता है। अब इस मशीन के अंदर जाने से पहले यहाँ पर कुरकुरे जो चटपटा मसाला होता है उसे तैयार किया जाता है, ये एक प्रकार का सीक्रेट मसाला होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मशीन के अंदर मसाला डाल दिया गया है और यहाँ पर तेल भी डाला जाता है और ये दोनों चीजें डालने के बाद अब इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स किया जाएगा। जब आप कुरकुरे निकालकर खाते हो, उंगली तक चाट जाते हो ना, तो इसी मसाले का कमाल होता है। जिस प्रकार से पिचकारी से हम पानी का छिड़काव करते हैं वैसे ये मशीन यहाँ पर स्टिक के ऊपर मसालों का छिड़काव करता रहता है। और आगे की साइड आप देख सकते हैं ये जो सिजलिंग मशीन है वो कितना ज्यादा बड़ा है और आपस में मसाले और यहाँ पर स्टिक इसी मशीन के अंदर लगातार घूमते रहते हैं और एक एक स्टिक के ऊपर सारे मसाले बराबर मात्रा में यहाँ पर चढ़ते रहते हैं। मसाले अच्छी तरीके से चढ़ने के बाद ये जो सारे स्टिक है मशीन से बाहर निकल के इस कन्वेयर मशीन पे लगातार गिरते रहते हैं और ये जो कन्वेयर मशीन है ऊपर की साइड एक बड़े से कंटेनर के साथ कनेक्ट होता है जहाँ पे सारे तैयार हमारे जो कुरकुरे के स्टिक होते हैं इकट्ठा होते रहते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंटेनर के अंदर जितने भी कुरकुरे हैं वो नीचे की साइड बराबर मात्रा में गिर के इन बकेट में इकट्ठा होता रहता है और ये जो बकेट होता है एक बड़ी सी एलिवेटर मशीन के साथ कनेक्ट होता है और इस एलिवेटर मशीन का काम होता है सारे कुरकुरे को बराबर मात्रा में इन पैकिंग मशीन में डालना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बराबर मात्रा में सारे पैकेटों में यहाँ पर हमारे कुरकुरे पैक होते रहते हैं, जितना भी ग्राम सेट हुआ होता है उसी ग्राम के हिसाब से इन पैकेटों में कुरकुरे आते रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से यहाँ पर पैकेटों में पैक हो चुके हैं। अब एक भैया इनको बड़े बड़े कार्टूनों में अच्छी तरीके से बॉक्स में पैक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे कुरकुरे पैक हो चुके हैं। तो जब भी आप कुरकुरे खाएंगे ना तो एक बार इस प्रोसेस को याद जरूर से करिएगा। अब इन बॉक्सों की टेपिंग की जाएगी, अब इन बॉक्सों को गोदामों में इकट्ठा किया जाएगा और आपके घर के आसपास के स्टोरों के पास भेजा जाएगा। ब्रांड का नाम है देवर्पण और ये बनाते हैं जी तीखे स्टिक, जिनको खाने के बाद आपको मजा जरूर से आ जाएगा। आई होप आप सभी को ये जो मेगा फैक्ट्री की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से करिएगा। थैंक यू।